गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त सी विशाल गुप्ता और हम अपनी लॉ की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अभी अपन मैथ्स क्लास में बात कर रहे थे ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स पे एक बात याद आ रही है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट आपका मूड हल्का हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, सर ब्लैक कर दो। हाँ मैं कर दूंगा। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, मतलब अभी 4.5 साल बाद आप लोग सीए भी बन जाओगे, फिर वो टाई वाई लगा के कोट वोट पहन के जॉब करने जा रहे होगे, जो भी जॉब करने जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा 3 ग्रुप होते हैं, मतलब उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, वो 3 जन का 3 ग्रुप होता है। पहला ग्रुप क्या होता है सर? पहला ग्रुप में सबको ही होता है, मतलब बॉस भी होता है और बाकी सारे एम्प्लॉयज होते हैं। सर दूसरा ग्रुप में क्या होता है? दूसरा ग्रुप में सारे एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन बॉस नहीं होता। उस ग्रुप में क्या होता है सर? बॉस की बुराई होती है। ठीक है, उस ग्रुप में बॉस की बुराई होती है। और तीसरा ग्रुप में कौन होता है सर? तीसरे ग्रुप में सारे एम्प्लॉयज होते हैं एक जन को छोड़ के, एक एम्प्लॉय को छोड़ के और बॉस को छोड़ के। वो जो तीसरे ग्रुप में सर, बॉस की भी बुराई होती है और एम्प्लॉय की भी बुराई होती है, जो एम्प्लॉय ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग का जो ग्रुप बन रहा है उसमें अगर मैं नहीं हूं तो मतलब मेरी बुराई हो रही है। इट्स एक्सेप्टेड, मैं अपनी बुराई एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई एक नहीं है तो समझ लेना आपकी भी बुराई हो रही है। ठीक है, समझ आएगा सबको, ये आज का ज्ञान है, लपेट लो जितना ज्ञान हो सकता है। यार कोई हंस तो कम से कम, थोड़ा अच्छा लगे सर को कि हाँ सर को फील गुड कराने के लिए थोड़ा हंस देते हैं। नहीं इतना भी नहीं है, नहीं। यूनिट 1, तो आप लोग सब कॉपी लेके आए हो। मैंने आपको कहा था पिछले क्लास में, जो लोग आप आज नए हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। लॉ कैसे बनता है, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है वो देखा हमने। फिर उसके बाद क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं लॉ में, मतलब सेक्शंस देखे। तो आप कोई भी फ्रेंड से आप नोट्स ले लेना, वो आपको नोट्स भेज देंगे। इनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, विवेक को और माधव को। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, इनको भी सारे नोट्स भेज देना। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको 20 पेजेस छोड़ने हैं, 20 पेजेस छोड़ने हैं। सर 20 पेजेस किसके लिए छोड़ने? सर हम केस लॉज लिखेंगे, केस लॉज लिखेंगे। उसके बाद 20 पेजेस के बाद आज आप अपना वाला ये वाला हेडिंग दे दो सर, यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिट 1 क्या है सर? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर किसका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं सर? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। मेरे को बताओ अगर आप सबको याद है, अगर आप सबको याद है, देखते हैं कितने जन को याद है। मेरे को बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से दिन आया था मेरे को बताओ? एटीन सेवेंटी टू? नहीं सर, कौन से दिन? केस लॉ का होगा, क्या होगा है विवेक? क्या केस लॉ? और एक बार बोलो विवेक, अपना क्वेश्चन बताओ क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर 1 सितंबर को आया था, 1 सितंबर को। ये सबको याद है सर? 1 सितंबर, हाँ सर। अच्छा केस लॉ क्या होता है? केस लॉ क्या होता है विवेक? केस लॉ अपने जैसे पढ़ेंगे वो तो आपको तब समझ आएगा। केस लॉ क्या होता है कि हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं, आपको पता है। अभी अपना वो विजय आलिया पे केसेस चला है, मालिया नहीं, वो आलिया है। ठीक है, क्लास में हम मालिया नहीं बोल सकते, आलिया, इट्स विजय आलिया। तो विजय आलिया पे जो केस चला ना, केस चला कोर्ट में, कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया कि उसका प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो लंदन चला गया, लंदन में एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। तो अब लंदन से कैसे वापस लेके आना है? तो वो जो केस लॉ, मतलब एक केस लड़ा गया, किंग फिशर एयरलाइंस का जो केस लड़ा गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक केस लॉ बोलते हैं। अब उसमें जो डिसीजन आया होगा ना, उसमें जो डिसीजन आया होगा वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। मतलब सर ये 1872 में एक्ट आया था, तो 1872 से लेके अभी तक जितने केस लॉ हुए हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है जिसके ऊपर हमारा लॉ बनाया गया।
मैंने आपको, आप पहली वाली क्लास करना सर, पहले पहले सिचुएशन आती है, पहले केस होता है, उसके बाद जाके लॉ बनता है। जैसे अपना भोपाल गैस ट्रेजेडी सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था सर, कोई किसी को जेल नहीं हुआ, उसके बाद उस पर केस लड़ा गया, उसके बाद उस पर केस लड़ा गया, तब जाके जो डिसीजन पास हुआ उसको हम बोलते हैं केस लॉस। तो वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ने वाले हैं, उसका पहला यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सब अपने पहले यूनिट का, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, खड़े होकर हाथ तालियां बजा के। सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? अब मैं आपको बता दूं सर, लॉ हमारे मुंह में होना चाहिए सर। लॉ के अराउंड 50 to 60 क्लासेस होंगी हमारी सर। वो जो 60 क्लासेस के बाद सर, लॉ ए टू जेड सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009, कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारे मुंह में होना चाहिए। जितना भी हम पढ़ेंगे सर, सेक्शन के साथ हमारे मुंह में होना चाहिए, और ये होगा, ये मेरी गारंटी है। बस मेरा 50% है, आपका 50% है। अगर मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ तो आपको भी करना, आपको घर जाके रिवाइज करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हर दिन का आधा घंटा। देखो अगर आज से आप हर दिन आधा घंटा रिवाइज करते हो ना, तो आपका सपोज आप भी आपने हर दिन आधा घंटा रिवाइज किया एक हफ्ता तक, तो आपका जो एक हफ्ता बाद जो 3 4 घंटा लगने वाला है ना, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। अगर आपने आज से रिवाइज नहीं किया तो एक हफ्ता बाद आपको 5 6 घंटा लगेगा सर, पूरा एक हफ्ते का रिवाइज करने में, और वो भी समझ नहीं आएगा, उसमें भी डाउट्स आएंगे। समझ आया क्या? हाँ सर। तो ये कौन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको क्या बताया सर? सबसे पहले हम क्या बताएंगे सर? इनिशियल समरी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? इनिशियल समरी। सर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? इनिशियल समरी। मैंने आपको बताया जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका क्या बनाएंगे सर? इनिशियल समरी। हमें पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तब जाके ही मजा आएगा सर। इनिशियल समरी, ये इनिशियल समरी बताने से पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ सर? ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैं और एक बार भी बताऊंगा, इनिशियल समरी बताने के बाद भी बताऊंगा, लेकिन पहले अगर बताऊंगा ना, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि इनिशियल समरी में क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लॉ की क्लासेस ना बहुत मजे आने वाली है। अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन आ गया, सॉरी एक मिनट, इनिशियल समरी का लॉ, या हियर वी आर। देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया कि जितने भी डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया जितने भी डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? सेक्शन 2 में लिखे हुए हैं। कोई भी एक्ट में चले जाओ, कोई भी एक्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। देखो विवेक और माधव, आप पहला क्लास जरूर करना, उसमें मैंने एक्ट, बिल, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस सबके डिफरेंसेस बताए हैं, तब जाके आपको समझ आएगा कि सर ये डिफरेंस क्या होता है, एक्ट क्यों बोलते हैं हम, बिल किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पिछले क्लास में सर, सेक्शन 2 में कोई भी एक्ट में चले जाओ, कंपनीज में चले जाओ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हर एक्ट में सर सेक्शन 2 में डिफाइन होता है क्या सर? डेफिनेशंस दिए होते हैं, डेफिनेशंस दिए होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, नीचे क्या लिखा हुआ है सर? सेक्शन 2H का मतलब क्या है? एन अग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है सर? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर इसका मतलब, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये कौन है सर? ये वर्तिका है। ये कौन है सर? वर्तिका है। वर्तिका के बचपन का पिक्चर है ये सर। वर्तिका अपने स्कूल से निकली और उसके घर के सामने एक, मतलब स्कूल के सामने एक केक शॉप था। क्या था सर? केक शॉप। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स। तो उसने गया दुकानदार के पास, गई वो जो शॉप ओनर थे उसके पास गई, उसको बोली भैया मेरे को एक चॉकलेट केक खरीदना है, मेरे को एक चॉकलेट केक खाना है, वो 10 रुपए वाला चॉकलेट केक दे दो। आई वॉन्ट टू बाय दैट चॉकलेट केक ऑफ ₹10। क्या कहा? ध्यान से सुनना, आपको लगेगा कि ये बहुत ही क्या सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हो सर, लेकिन सिंपल सिंपल एग्जाम्पल में सारे सार भर दूंगा मैं, ये गारंटी देता हूँ सर। आई वॉन्ट टू बाय दैट चॉकलेट केक ऑफ ₹10। ओके सर, शॉपकीपर ने क्या कहा? ठीक है लो वर्तिका, ये आपका चॉकलेट केक है, मुझे 10 रुपए दे दो। ये आपका चॉकलेट केक, मुझे 10 रुपए दे दो। आई वॉन्ट टू बाई दैट चॉकलेट केक ऑफ ₹10। शॉपकीपर ने क्या कहा? ओके हियर इज योर केक इन एक्सचेंज ऑफ ₹10। मेरे को बताओ वर्तिका ने क्या किया? वर्तिका ने क्या किया? वर्तिका ने सर क्या ऑफर दिया? वर्तिका ने एक ऑफर दिया सर कि मेरे को 10 रुपए का चॉकलेट केक चाहिए, उसके बदले मैं आपको 10 रुपए दूंगी।
मेरे को 10 रुपए का चॉकलेट केक चाहिए, उसके बदले मैं आपको 10 रुपए दूंगी। ये क्या है सर? ऑफर है, ऑफर कि क्या आप मुझे वो चॉकलेट केक बेचोगे? क्या आप मुझे एक चॉकलेट केक बेचोगे? ऑफर मतलब क्या सर? कुछ पूछ रहे हैं सर, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं हम, इसी को ही तो ऑफर बोलते हैं। ध्यान से समझना, एकदम अपना पूरा सेंसेस खुला रखना सर। ऑफर सर, जब केक वाले ने वर्तिका की ऑफर को मान लिया, वर्तिका ने जो ऑफर किया सर कि क्या आप मेरे को चॉकलेट केक दोगे 10 रुपए के बदले, उसने जब मान लिया तो उसने क्या कहा, चलो लो ये रहा आपका चॉकलेट केक, 10 रुपए दो। क्लियर है? तो उसने क्या किया सर, एक्सेप्टेंस सर, वर्तिका ने ऑफर दिया दुकानदार को कि 10 रुपए का चॉकलेट केक 10 रुपए में दोगे क्या? दुकानदार ने क्या कहा, हाँ लो। तो दुकानदार ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया वर्तिका का ऑफर, एक्सेप्ट किया। तो टोटल अब क्या बन गया मेरे को बताओ, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या सर? क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस सर। इसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट किया सर, दोनों दोनों वर्तिका और शॉपकीपर दोनों एक ही बात पे राजी हो गए, एक ही बात पे राजी हो गए। मेरे को बताओ राजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। मतलब सर एक ही बात पे, वर्तिका भी चॉकलेट केक के बारे में सोच रही है, दुकानदार भी चॉकलेट केक के बारे में ही बात कर रहे हैं सर। एक ही बात पे अगर दो जन अग्री कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर? अग्रीमेंट बोलते हैं सर। अग्रीमेंट बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या पढ़ी सर? सर एक जन ऑफर करना चाहिए, दूसरा जन एक्सेप्टेंस करना चाहिए। सर एक जन ऑफर करना चाहिए, दूसरा जन एक्सेप्टेंस करना चाहिए, तभी जाके एक एग्रीमेंट बनेगा सर। क्या खाली ऑफर से, खाली वर्तिका जाके बोलती मुझे वो चॉकलेट केक खरीदना है 10 रुपए का, और दुकानदार कुछ भी नहीं बोलता। दुकानदार बोलता है, तो बताओ क्या एग्रीमेंट बनता गया? मेरे को बताओ एग्रीमेंट बनता गया? गौरव उदयपुरिया कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? नहीं, अभी गौरव कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। आप ध्यान दो, ध्यान दो, सब सब कुछ आप एक मेरे से ज्यादा जानोगे, गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि आप मेरे से ज्यादा जानोगे 60 क्लासेस के बाद। अभी पूरा फोकस रखो, अभी नहीं क्वेश्चन पूछना, अभी तो बेसिक है, स्टार्टिंग है, क्वेश्चन पूछने के लिए मैं टाइम दूँ? नो। तो दुकानदार ने कहा है, ठीक है, तो मतलब सर ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो अपने को इतना पता चला सर, ऑफर एक्सेप्ट जब होगा तभी अग्रीमेंट बनेगा, उसके पहले अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता सर। क्या खाली ऑफर एक्सेप्ट एग्रीमेंट बन सकता है? नहीं। क्या खाली अग्रीमेंट, मतलब वर्तिका ने कुछ कहा ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, चॉकलेट केक मांगा भी नहीं, वो अपना बस का इंतजार कर रही थी, वो स्कूल के साइड में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। दुकानदार बोलता है ले चॉकलेट केक ले, क्या ये अग्रीमेंट है? जब दोनों राजी होते हैं एक ही बात पे तब एग्रीमेंट बनता है। एक जन ऑफर करता है, दूसरा जन अग्रीमेंट करता है, दूसरा जन एक्सेप्टेंस करता है, तब जाके एग्रीमेंट बनता है। अगर खाली ऑफर है या फिर खाली एक्सेप्टेंस है तो वो एग्रीमेंट नहीं होता सर। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो देखो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना तो जरूरी है भाई, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं आएगा। आप उसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भी हुआ है उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते सर। कब केस कर सकते हैं? अगर वो एक वैलिड अग्रीमेंट है सर। वैलिड अग्रीमेंट के लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी हमने जितना पढ़ा है सर, स्टार्ट जितना किया, अपने को क्या पता है सर, एक एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए। ग्रेट सर। सेकंड में क्या लिखा है सर? एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ सर। मान लो यही एग्जाम्पल में वर्तिका ने कहा कि सर भैया आप मेरे को 10 रुपए का चॉकलेट केक दोगे क्या? मैं आपको 10 रुपए दूंगी। तो दुकानदार ने कहा हाँ मैं दूंगा, 5 मिनट लगेंगे, एक काम करो पहले तुम 10 रुपए दे दो, बिल कटा लो, पहले बिलिंग होती है, बिल कटा लो, मैं चॉकलेट केक दे दूं। दुकानदार ने क्या किया सर? बिल कटा लिया, वर्तिका से 10 रुपए ले लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, दुकान का शटर बंद किया और गया, भाग गया। वर्तिका क्या करेगी मेरे को बताओ? वर्तिका क्या करेगी? कोई ये नहीं बोलेगा कि रोएगी प्लीज, ठीक है? अब वर्तिका क्या करेगी सर? अगर 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 वर्तिका के पास कोर्ट में जाने का पावर है, मतलब कोर्ट में जाने का पावर, मतलब कोर्ट मतलब क्या, ये वाला कोर्ट नहीं, ये वाला कोर्ट जहां पे जज लोग बैठते हैं ना ऐसे सफेद बाल से, तो कोर्ट में जाने का अगर पावर है, और वो दुकानदार के अगेंस्ट केस करने का अगर पावर है कि इसने मेरे से 10 रुपया लिया लेकिन केक नहीं दिया, आप इस पे जज साहब माई लॉर्ड पेनल्टी लगाइए,
तब जाके ये क्या होता है सर, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ओ, मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ पे अपन पूरा एक क्लास लेंगे, अपन पूरा एक क्लास लेंगे, तो घबराने का नहीं है। अभी अपन को क्या समझना है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें जरूरी है सर। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए सर, वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। आपको याद है पिछले क्लास में पुलिस, पुलिस का स्पेलिंग बहुत सही है, पुलिस पुलिस, ओके, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पिछले क्लास पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने साहिल को कॉल किया, याद है आपको, साहिल को कॉल किया मूवी के लिए, साहिल ने मना कर दिया, साहिल ने मना कर दिया, साहिल ने हार गया था, साहिल ने क्या कहा था, मैं जो लोग नए हैं उनको सुन लो, धोखेबाज साहिल के बारे में सुन लो, सब कोई हमारे यहाँ पे एक धोखेबाज साहिल है, साहिल दिल पे नहीं लेने का है, ठीक है। तो मैंने पिछले पिछले दिन पिछले संडे को साहिल को कॉल किया था, मैं भाई साहिल देख यार तू बड़ा आदमी है, तेरे साथ मूवी जाने का बहुत मन है, तो आज शाम को 6 बजे आप मूवी देखने चलोगे क्या मेरे साथ? भाई बोला हाँ सर पक्का जाएंगे सर, आपको भी ये मौका देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्का जाएंगे। लेकिन मैं शाम को 5:30 बजे से मूवी हॉल में बैठा हुआ, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है कि साहिल सर के देखेंगे मूवी, अपन 9 बज गए, साहिल आया, 9 बज गए, साहिल आया नहीं, क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ, क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? ये किस पे डिपेंड करेगा मैं उस पर केस कर सकता हूँ या नहीं? सर एक वर्ड याद रखना, मैं इसके बारे में पूरा एक क्लास लूंगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं सर, इंटेंशन, सर इंटेंशन, इंटेंशन। जब मैं साहिल को ऑफर कर रहा था ना कि क्या आज मूवी देखने चलेगा, क्या आज मूवी देखने चलेगा, तब मेरा इंटेंशन क्या था? क्या मेरा इंटेंशन ये था कि अगर साहिल मूवी देखने नहीं आया तो मैं उस पर केस फाइल कर दूंगा, मैं उससे पेनल्टी लूंगा? नहीं, मेरा इंटेंशन तो सिर्फ इतना ही था, साहिल नहीं आया तो उसको 2 ठोपी लगाऊंगा, सिंपल। तो अपना इंटेंशन मैटर करता है सर, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ देखने के लिए सर इंटेंशन मैटर करता है। नॉर्मली कौन से कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं? नॉर्मली बिजनेस, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, बिजनेस अग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। मतलब किसी से आपने सामान, आप सपोज व्यापारी हो, ठीक है, आपने किसी से माल मंगाया, और आपको उसको पैसे देने, तो ये क्या है सर, बिजनेस एग्रीमेंट है। आपने क्या किया, माल रख लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला तो कोर्ट में सू कर सकता है ना, कैसे सू कर सकता है? सू मतलब क्या, वो वाला सू नहीं, सू मतलब केस फाइल करना, ठीक है। कैसे सू कर सकता है सर, जब आपने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए होंगे कि ये मैं भेजूंगा, ये इनवॉइस है, ये टैक्स का अमाउंट है, ये है वो है, सारे एग्रीमेंट साइन किए होंगे। तो जब एक लीगल पेपर पे साइन होता है, लीगल पेपर डॉक्यूमेंट पे साइन होता है कि अगर आपने ये चीज नहीं किया, आपके देखो दो लोग हैं, आपका ये काम है मेरा ये काम है, मेरे को आपको सामान भेजना है, आपको मुझे पैसे देने हैं, अगर इन दोनों में से हमने अपना अपना काम नहीं किया तो मैं कोर्ट में जाऊं, अगर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में तब तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है, केस कर सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा हुआ है लेकिन ओरली बात हो गई थी, सपोज अगर मैंने उस दिन साहिल को फोन करके बोला होता, साहिल को फोन करके बोला होता कि भाई साहिल अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा, तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता, ठीक है। तो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में अपने को दो चीज ध्यान में रखें, सबसे मेन चीज क्या है सर, इंटेंशन, इंटेंशन है तो एनफोर्सिबल बाय लॉ है, पूरा क्लास अपन लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में सर एक होता है सोशल एग्रीमेंट्स, एक होता है लीगल या फिर बिजनेस एग्रीमेंट्स। नॉर्मली नॉर्मली ये जो सोशल एग्रीमेंट है ये किससे आया है सर, सोसाइटी से आया है। सोसाइटी में आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैंने आपको बताया हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने साहिल को मूवी देखने के लिए बुलाया ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, सब चीज में कॉन्ट्रैक्ट है सर। जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं ना, सोशल एग्रीमेंट होते हैं ना, वो नॉर्मली क्या होते हैं सर, आउटसाइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, मतलब वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। लेकिन कब एनफोर्सिबल बाय लॉ होंगे सोशल एग्रीमेंट, जब स्पेसिफिकली लिखा होगा या मेंशन किया होगा कि अगर आपने ये चीज नहीं किया तो आपका केस फाइल कर देंगे। तो अभी सबके दिमाग में आइडिया आ रहा है, नहीं मतलब सर हम नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इनवाइट करेंगे डिनर पे और डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेंगे, अगर नहीं आई तो तेरे खिलाफ केस फाइल कर देंगे, ठीक है। अब तो आना ही पड़ेगा, है ना, देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो क्या है सर, अपने को दो चीजें पता चली सर, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। अग्रीमेंट कैसे बनता है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दोनों चीज होना मांगता है, ठीक
सर एक भी चीज मिसिंग है तो अग्रीमेंट नहीं बना। सर अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स के लिए केस फाइल हो सकता है क्या? हाँ फाइल हो सकता है, डेटर्स आपके डेटर्स बिजनेस जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली फाइल हो जाता है। उसमें क्या एक्सेप्शन है, अगर आपने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, बिजनेस अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अग्रीमेंट मतलब क्या, ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस, अभी एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं। सर अग्रीमेंट किया, बिजनेस अग्रीमेंट, तो बिजनेस अग्रीमेंट में अगर आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप दोनों में से कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तब भी मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो देखो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। सर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब सर इंटेंशन मैटर करता है। नॉर्मली नॉर्मल दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में सर जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, क्योंकि हमारा उसमें इंटेंशन नहीं होता। लेकिन उसमें अगर अलग से लिखा हुआ है कि अगर आपने नहीं किया तो आप मैं कोर्ट में जाऊंगा, तब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ। और नॉर्मली जो बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। लेकिन अगर अलग से लिखा हुआ है कि अगर आपने गलत गलती भी की, आपने अपना ड्यूटी परफॉर्म भी नहीं किया, तब भी मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। सिंपल सिंपल रखने का, और मैं पूरा क्लास लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अपने को समझ आएगा सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर सेक्शन 2H में डिफाइंड है, सेक्शन याद रखने का, सर सेक्शन 2H में डिफाइंड है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट बनने के लिए दो चीजें क्या चाहिए सर, ऑफर चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए, और एक चीज भी चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर ये जो ₹10 है, और जो ये रुपीज और ये जो केक है, इसको क्या बोलते हैं सर? इसने वर्तिका ने क्या दिया सर, ₹10 दिया, इसने क्या दिया सर, केक दिया। बस इतना ध्यान में रखना हमेशा। तो अभी अपन इनिशियल समरी बनाने के लिए रेडी हो गए, आ जाओ। सर पहला यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, देखो मैं आपको बता देता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ने वाले। सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि एक अग्रीमेंट कैसे बनता है। सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर वैलिड कब होगा, वैलिड मतलब क्या, मान्य, लॉ के नजर में मान्य। अभी हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट में जो लिखा हुआ है कि अगर ऑफर ऐसे 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 किया गया तो ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर है। तो वो सारी चीजें अभी अपने को ध्यान रखना है। अपन लॉ पढ़ रहे हैं, एक एक्ट पढ़ रहे हैं, एक लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ का एक छोटा सा पार्ट है एक्ट, तो एक्ट पढ़ रहे हैं हम। इसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए वैलिड है। तो एक ऑफर कैसे होगा सर, एक्सेप्टेंस कैसे होगा सर, अग्रीमेंट कब बनेगा सर, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कब होगा सर, अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चीजें होनी चाहिए सर, वैलिड है या नहीं है। मान लो क्या इंडिया में अगर एक माइनर, माइनर कौन होता है, लिखना नहीं है ठीक है, सब लिखाऊंगा मैं आपको। माइनर, इंडिया में माइनर कौन होता है सर, अलग अलग एक्ट में अलग अलग लिखा हुआ है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर 18 साल के नीचे माइनर माना जाता है। अगर मैरिज एक्ट में चले जाओ, मैरिज एक्ट में सर बॉयज के लिए क्या है, लेस देन 21 ईयर्स माइनर सर, गर्ल्स के लिए क्या है, लेस देन 18 ईयर्स सर। वैसे ही वोटर्स एक्ट होगा कुछ, वोटर्स एक्ट सर इसमें क्या है, लेस देन 18 ईयर्स ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है सर, अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आप क्या हो, माइनर हो। मेरे को बताओ क्या इंडिया में कोई माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता तो माइनर पे, माइनर को सजा मिलती कि नहीं मिलती? क्या इंडिया में माइनर्स को सजा मिल सकती है? क्या इंडिया में माइनर्स को फांसी की सजा मिल सकती है? क्या इंडिया में माइनर्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिल सकता है? मेरे को सबको ही बताओ, नहीं नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सर माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है, अभी मैं आपका बस बिल्डिंग का बेस बना रहा हूँ। नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर हो सकता है कि एक अग्रीमेंट बना, मतलब माइनर ने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस भी किया, सर अग्रीमेंट बन गया सर, फिर उन्होंने लिखवा भी लिया कि अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, सर एनफोर्सेबल बाय लॉ भी बन गया, मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। अब अपन को क्या देखना है सर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है देखने के लिए सर सेक्शन 10 देखेंगे। सेक्शन 10 मैंने आपको कल लिखा है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। अगर ये चीजें हैं
तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो उसमें ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है सर, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी हम पढ़ेंगे, यूनिट 3 में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बेसिक अपने को थोड़ा आइडिया हो गया। चलो सर, इनिशियल समरी अभी जल्दी जल्दी बनाएंगे, अभी अपन लेट नहीं करेंगे। जितना अपन को समझना था अपन समझ लिए, अब अपन थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे। सर इसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, लिखना है सबको, लिखना है पहले पेज में, लिखना है हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सर तो मर्डर कर देंगे तो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट या हैंग नहीं करेंगे? नहीं, आपने निर्भया वाला केस नहीं सुना शायद, इसीलिए तो इतना दिक्कत हो रहा था इंडिया में, ठीक है? क्योंकि वो तीनों जो थे वो माइनर थे, तो उनको जेल में भी विथ प्रॉपर वो फैसिलिटीज के साथ रखा गया था, प्रॉपर एमिनिटीज के साथ रखा गया था, मतलब फूड मिलता था, सब कुछ मिलता था, ठीक है? अब देखो, और एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। सर और एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उनको निर्भया वाले जो केसेस थे, जो भी विक्टिम्स मतलब जो भी कल्प्रिट्स थे, उनको पूरा प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ रखा गया। आपको याद है मुंबई अटैक हुआ था, अजमल कसाब, उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दी जा रही थी जेल के भीतर, 5 स्टार ट्रीटमेंट। सर जिस होटल में उन्होंने अटैक किया था उसी होटल से उनके लिए बिरयानी आती थी, समझ आया? और ये सब झूठ नहीं है, ये सच है। क्यों सच है? क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है। एक तो मैंने आपको माइनर की बातें बता दी थी, और एक क्या बताई थी आपको मैं, और एक मैंने आपको क्या बताया नहीं, अभी जब मैं बताऊंगा एसेंशियल एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10 जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई अपने एनिमी के साथ, एनिमी कंट्री के किसी भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, एनिमी कंट्री के किसी भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। तो हमने जो उनको जेल में लिया ना, पाकिस्तान, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को किसी कंट्री का नाम नहीं लेना, उनके कंट्री के जो बंदे को जेल में लिया ना, तो वो हमारे हाथ हक में ही नहीं था, हम लोग का राइट में ही नहीं था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है वो सारी चीजें कि आप किसी बंदे के साथ, जो कंट्री हमारी एनिमी है उसके बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था, समझ आया क्या? ये सब चीजें आप जानोगे, पर सर क्या ये गलत नहीं है? अब देखो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर, कोई सिचुएशन में गलत है। अब कभी कभी क्या होता है सर, कोई माइनर है, उसको अगर ज्यादा सजा दे देते हैं, मान लो अगर उसकी गलती नहीं है, तो तब तो सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसे अपन कोई बात नहीं बोल सकते कि सर ये गलत है या सही है। 1872 में ये लॉ बना था, अभी तक चल रहा है। और सिर्फ देखो जब टेररिस्ट अटैक होता है या ये सब माइनर वाली चीजें होती है, रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, तो इस पे क्या है ना, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता, इसके साथ बहुत सारी चीजें लगती है सर। जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ तो टाडा एक्ट भी लगा उसमें, टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट भी लगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सब मिला के फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे समझते जाओगे, ठीक है? लॉ पूरा लिंक है, हर एक्ट एक दूसरे से लिंक होता है, समझ आएगा आपको स्लोली स्लोली। सर हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जल्दी जल्दी लिखो सर, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सर ऑफर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है भाई, एग्रीमेंट। अभी अपने ने डेफिनेशन देखा ना सेक्शन 2H में, सर एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये पूरा अपने नाम की तरह याद होना चाहिए 100 साल बाद, बाकी आप अपना खुद से बोल लो, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है? सर अग्रीमेंट कैसे बनता है मेरे को बताओ, अग्रीमेंट कैसे बनता है, कौन सा बन लू यार, सर अग्रीमेंट कैसे बनता है, सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक मिनट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस।
में हम क्या चीज पढ़ेंगे सर? हम ऑफर में चार चीजें पढ़ेंगे सर। सबसे पहली चीज क्या है? टाइप्स ऑफ ऑफर। सबसे पहली चीज क्या है सर? टाइप्स ऑफ ऑफर। सेकंड चीज क्या है सर? लीगल रूल्स। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। सर एक ऑफर कब वैलिड है? अब जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं वो देखते हैं सर। ऑफर वैलिड है या नहीं वो भी देखेंगे। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। थर्ड में क्या देखेंगे अपन सर? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर एक ऑफर कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया? सर जब तक सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं तब तक माना थोड़ी जाएगा। आप अपने मन में कुछ ऑफर दे रहे हो तो थोड़ी सामने वाले को पता चल रहा है। सबके बीच में थोड़ी टेलीपैथी होती है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये चार चीज आप पढ़ोगे ऑफर में सर। फिर इधर आएंगे एक्सेप्टेंस में। आप पढ़ोगे लीगल रूल्स। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अरे यार आज क्या हो रहा है? कभी कभी इसको लैपटॉप को दौरा पड़ता है। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो ना? मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ सर। ऑफर में ये चार चीजें पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस में ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या बनेगा सर? अग्रीमेंट बन जाएगा सर। अग्रीमेंट बन जाएगा। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सिंपल सर। और क्या दो चीजें पढ़ेंगे सर हम? बधाई आ रही है। हम सही पाथ पे चल रहे हैं। क्या आ रही है? बधाई। बधाई क्या होता है? बधाई पर सर क्या ये गलत है? हवा कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। फिर उसके बाद क्या है सर? सेकंड में पढ़ेंगे। आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है सर। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद देखेंगे सर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सर। सेकंड में पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स। ओ बाधाएं आ रही है। ओके 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सही बात है साहिल। मेरा ही डायलॉग मेरे को चेक दो ना। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू आर्यन। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये किस में पढ़ेंगे हम? सेक्शन 10। सेक्शन 10 प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये मैंने क्यों लिखाया सर? देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ सबसे पहले आता है सर। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 10। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा दिया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए सर? वो लीगल होना चाहिए। वो लीगल होना चाहिए। एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। प्लस सेक्शन 10 में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे सर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे जगह छोड़ दो। जब हम पढ़ लेंगे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब अपन ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता दूं। आप लिख लेना आगे यहाँ पे बस एक शॉर्ट में लिख लेना। तो अपना इनिशियल समरी बन गया सर। इस चैप्टर में हम सिर्फ तीन चीज पढ़ने वाले हैं सर। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले ऑफर पढ़ेंगे फिर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। दोनों को मिला देंगे एग्रीमेंट हो जाएगा सर। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ सर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे सर। हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। आप देखेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है क्या वो वैलिड है या नहीं है सर। वैलिड है या नहीं देखने के लिए क्या देखेंगे सर? सबसे पहले तो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। वो तो सर क्लियर है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन मैंने वापस से लिखा दिया आपको, कंफ्यूज नहीं होने का सर। और सेक्शन 10 में जो भी लिखा हुआ है ना सर, सेक्शन 10 में जो भी लिखा हुआ है वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी जाके ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है, फिर अपन को देखना तो मांगता है ना यार कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपन ने सर। सेव कॉन्ट्रैक्ट बनाया, चीकू कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आम कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो सारी चीजें तो देखेंगे ना। ठीक है तो इनिशियल समरी अपने ने कर ली। क्लियर सबने लिख लिया है? मेरे को एक बार जोर से हाँ बोलेंगे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी आज थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। 9:49 हो गया। अपन 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, मतलब उतना ही पढ़ेंगे। ग्रेट। तो सबने अपना लिख लिया। अब
सर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है सर? ऑफर। मैंने आपको बताया सर, हम पूरा सिक्वेंशियली पढ़ेंगे। बुक में आपको कैसे भी दिया हो, मेरे बुक में तो आपको ऐसे सिक्वेंशियली दिया जाएगा। आईसीए की बुक अगर आप देख रहे हो अभी, आपको बुक्स मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएगी। वो मेरा मेरी गलती नहीं है, वो लॉकडाउन की गलती है, वो शॉप नहीं खुल रहे हैं। होप एक तरीके से खुल जाए, खुल जाएगा ना, तो 2 3 दिन में आपको बुक्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रिंट होने में सिर्फ 1 या 2 दिन ही लगते हैं। हम ज्यादा क्वांटिटी अभी प्रिंट नहीं कराते, तो जो 1 2 दिन लगते हैं आपको तुरंत मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अगर नहीं भी मिल रही है ना, तो पहला चैप्टर का पूरा प्रिंट आउट मैं दूंगा, मेरे ऊपर है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला चैप्टर में 10 क्लास लगेंगे, तो अभी टाइम अपने पास। ऑफर का डेफिनेशन सर, आपको ऐसे ऑफर तो पता ही है सर, अगर कोई किसी को ऑफर करता है, मतलब कुछ करने के लिए बोलता है या फिर कुछ नहीं करने के लिए बोलता है। दो चीजें है ना, या तो कुछ करने के लिए बोलेगा या तो कुछ नहीं करने के लिए बोलेगा। ठीक है, समझ आएगा? चलो मैं एक बार आपको, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ऑफर का डेफिनेशन देखेंगे। ये इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए अपन को, अभी शुरू में थोड़ा स्लो ही जाएंगे अपन, जैसे मैथ्स में गए थे, फिर अपन बहुत स्पेस बढ़ेंगे पकड़ेंगे आराम से। आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा तब, अगर शुरू में स्पीड चले गए ना, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। देखो ध्यान से देखो, देखिए मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई के पास लैम्बोर्गिनी नहीं है। अब मिस्टर वाई और कोई हायर वर्षन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, और कोई हायर वर्षन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तभी मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स ह्यूंडई पे थे, अब उनको लैम्बोर्गिनी पे शिफ्ट करना है, सबके सबके पैसे बढ़ रहे हैं। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या कहा, विल यू सेल मी योर लैम्बो फॉर ₹1 करोड़। फॉर ₹1 करोड़, ये क्या कहा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा? तो मेरे को बताओ, मिस्टर एक्स, सर लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहले लगता था कि लॉ बोरिंग होता होगा, टोटल थ्योरी बोल गया। अरे लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरू है, जब केस लॉ पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा। सर विल यू सेल मी योर लैम्बो फॉर ₹1 करोड़, मेरे को बताओ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या दिया? सर क्या दिया, ऑफर दिया कि नहीं? हाँ सर ऑफर दिया, सर ऑफर दिया। ठीक है, तो सर अगर मिस्टर एक्स को मैं ऑफरर बोल सकता हूँ क्या? ऑफरर, ऑफरर जो ऑफर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? ऑफरर, ये सब काम आने वाला है। जो ऑफर करता है उसको क्या, ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं सर? ऑफरर। सर जिसको ऑफर कर रहा है, जिसको ऑफर कर रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा सर? ऑफरी, ऑफर ई, डबल ई, याद रखना OR and EE। अभी तक देखो इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, मिस्टर वाई ने क्या ऑफर एक्सेप्ट किया? नहीं सर, अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी बस मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने ऑफर किया है कि क्या तू मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी 1 करोड़ रुपए में देगा? सर यहाँ पे मिस्टर एक्स ऑफरर है, मिस्टर वाई क्या है सर? ऑफरी। लेकिन जब मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई को भी बेचना ही था, जब मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, जब मिस्टर वाई ने, अरे यार क्या दिक्कत है, अब क्या किया सर? मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला यस यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल। तो जैसे ही मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया ना, आफ्टर एक्सेप्टेंस सर, पहले क्या था सर? वो ऑफर ही था जिसको ऑफर किया गया था सर। एक्सेप्टेंस के बाद सर, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस मिस्टर वाई क्या बन गया सर? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मिस्टर वाई क्या बन गया सर? एक्सेप्टर। ध्यान रखना सर, एक्सेप्ट करने से पहले वो सिर्फ ऑफर ही है, ऑफर ही, तब आप उसको एक्सेप्टर मत बोल देना। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखना सर, जब जो ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलते हैं, जिसको ऑफर किया जाता है उसको ऑफर ही बोलते हैं। सर अगर वो ऑफर ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ आएगा? हाँ सर।
और एक चीज, अब इसने क्या कहा, सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। इसने क्या कर रहा है सर, क्या ये प्रॉमिस कर रहा है, मेरे को बताओ क्या ये प्रॉमिस कर रहा है, प्लीज हाँ या ना बोलो, क्या ये प्रॉमिस कर रहा है सर, अगर तू मेरी मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी देगा तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा, मतलब अगर आप मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी सेल करोगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या ये हाँ या ना बोल रहा है, हाँ सर हाँ बोल रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है सर, प्रॉमिस कर रहा है सर, प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या इसको मैं प्रॉमिसर बोल दूं सर, क्या इसको मैं प्रॉमिसर बोल दूं क्या सर, क्या इसको मैं प्रॉमिसर बोल दूं, तो मतलब सर या तो मैं इसको जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोल सकता हूँ या फिर प्रॉमिसर बोल सकता हूँ सर, क्या बोल सकता हूँ, ऑफरर बोल सकता हूँ या प्रॉमिसर बोल सकता हूँ, ग्रेट समझ आया सर, इसको और कुछ नहीं बोलेंगे, इसको हम ऑफर ही बोलेंगे, जिसको ऑफर होता है ऑफर, क्या ये कुछ प्रॉमिस किया अभी तक, नहीं सर इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, तो अभी ये सिर्फ ऑफर ही है सर, जब एक्सेप्ट कर लेगा सर, जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको अपनी लैम्बोर्गिनी दूंगा, तो ये प्रॉमिसर है, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा सर, प्रॉमिसी, ये क्या हो जाएगा सर, प्रॉमिसी, क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट, मेरे को बताओ, सेक्शन 3 और 4 मैंने आपको बढ़ा दिया लेकिन सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को बताओ इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, हाँ ना सबको ही बोलेंगे प्लीज, हाँ सर हाँ सर, तो जोर से बोलेंगे अपने घर पे बैठे बैठे, सर जो ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑफरर या फिर प्रॉमिस सर, ओ आर सर, जिसको ऑफर होगा उसको क्या बोलेंगे सर, ऑफरी सर, ई ऑफरी सर, अगर वो ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर उसको क्या बोलेंगे सर, एक्सेप्टर और प्रॉमिसी, समझ आया गया, अब इतना चीज आपको समझ आ गया सर, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने एक चीज आपको वो केक वाले एग्जांपल में ध्यान रखने के लिए बोला था कि सर इसने 10 रुपए दिया उसने केक दिया, इसमें इसने 1 करोड़ रुपए दिया, इसने क्या दी लैम्बोर्गिनी, ये क्या करना है सर, ये ध्यान में रखना है, क्यों ध्यान में रखना है बाद में बताऊं, अभी 4-5 क्लास में, लेकिन बस आपको ध्यान में रखना, ये क्लियर है सर, एक चीज मेरे को बताओ, क्या ये ऑफर जो इसने ऑफर किया, जो इसने ऑफर किया ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पॉजिटिव मतलब सर क्या इसमें कुछ बुरी बात थी, क्या इसमें कुछ बुरी बात थी या कुछ भी था सर, ये पॉजिटिव ऑफर था, अब आपको मैं बताऊंगा सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहा हूं मैं सर, ये तो पॉजिटिव ऑफर था, एकदम पॉजिटिव ऑफर था सर, कि भाई ये चीज है, देखो सेल परचेज तो पॉजिटिव ही होता है ना, हाँ सर ग्रेट, थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए मेरे को आपका, 5 मिनट और चाहिए, 5 से 10 मिनट और चाहिए, उसके बाद सर सेकेंड एग्जाम्पल मैं, अब क्या हुआ सर, मिस्टर वाई आ गया फिर से, मिस्टर वाई सर, ये मिस्टर एक्स आ गया सर, मिस्टर एक्स ने क्या किया था ऊपर वाले एग्जांपल में, एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर एक्स ने क्या किया सर, एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया, अपनी लैम्बोर्गिनी उसको दे दी और 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए उससे लेने का बात था, लेकिन मिस्टर वाई ने कहा कि यार मैं 1 करोड़ एक साथ कैश में तो नहीं दे सकता, एक काम करता हूँ मैं अभी 50 लाख रुपीज दे देता हूँ इंस्टॉलमेंट्स, अभी हमने ईएमआई पढ़ा ना, ईएमआई सर अभी 50 लाख रुपीज दे देता हूँ आफ्टर 1 ईयर सर, ये नाउ हो गया आफ्टर 1 ईयर, और 50 लाख रुपए दे दूं, सिंपल सी बात है, हाँ सर सर 50 लाख रुपए दे दिया तो लैम्बोर्गिनी दे दी इसने मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने, अब 1 साल हो गया, 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया सर, लेकिन मिस्टर वाई ने पैसे नहीं दिए, मिस्टर वाई ने पैसे नहीं दिए, मिस्टर एक्स बार बार कॉल करके रिमाइंड कर रहा था कि मिस्टर वाई, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ये मिस्टर एक्स था, ये मिस्टर वाई, आप समझ रहे हो ना, एग्जांपल समझो बस, नाम से कुछ नहीं लिया, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बार बार कॉल करके बोल रहा था कि मिस्टर एक्स आपका 50 लाख रुपए ड्यू है, आपका 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 2 महीने हो गए, कब देंगे आप, तो मिस्टर एक्स सुनने को रेडी नहीं था, तो मिस्टर वाई ने क्या किया सर, गुस्से में आ गया मिस्टर वाई, मिस्टर वाई बहुत गुस्से में आ गया सर, मिस्टर वाई जाके कोर्ट में जाने लगा, मिस्टर वाई कोर्ट में जाने लगा, अब तो उसके पास लैम्बोर्गिनी नहीं है तो चल चल के जा रहा था, तो मिस्टर वाई कोर्ट में जाने लगा सर, यहां तक पहुंचा था, यहां तक पहुंचा था, अब देखो लॉ क्या बोलता है, अगर कोई आपका पैसा नहीं चुका रहा तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है सर, 1 साल बाद पैसा चुकाएगा, लेकिन 1 साल 2 महीना हो गया, तो लॉ के हिसाब से अब क्या करना है आपको, कोर्ट में केस फाइल करना है, देखो ध्यान
ध्यान एकदम पूरा मेरे पे चाहिए सर। लॉ के हिसाब से आपको अभी केस फाइल करना है, लेकिन तो आप अभी केस फाइल करने जा रहे हो सर, जैसे ही मिस्टर एक्स को पता चला, मिस्टर एक्स को पता चला कि सर मिस्टर वाई केस फाइल करने जा रहे हैं, अगर केस फाइल किया तो 50 लाख भी जाएगा, साथ में और पेनल्टी भी लगेगी, ये भी लगेगी। तो मिस्टर मिस्टर एक्स क्या किया, यहाँ पे पहुंच गया, मिस्टर एक्स क्या किया, रस्ते में ही अटका लिया, मिस्टर एक्स रस्ते में ही अटका लिया इसको, इसको रस्ते में ही अटका के बोला प्लीज प्लीज मिस्टर वाई प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, प्लीज 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 मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दो दो बीवी है, एक बच्चा है, प्लीज माफ कर दीजिए मेरे को, उल्टा बोला क्या मैं, चलो जो भी है चलेगा सर, प्लीज माफ कर दीजिए मेरे को, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरे को बस 1 महीने का टाइम दीजिए, गिव मी 1 मोर मंथ, आई विल गिव एडिशनल 1 लाख रुपीज। वो क्या बोल रहे हैं सर, मेरे दो बीवी हैं, एक बच्चे हैं, प्लीज मुझे 1 लाख 1 महीने का मोहलत दे दीजिए, मैं आपको 50 लाख तो लौटाऊंगा, साथ में और 1 लाख रुपए लौटाऊंगा सर, टोटल 51 लाख लौटाऊंगा, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए मिस्टर भाई। तो मिस्टर भाई ने कहा अच्छा ठीक है, मिस्टर भाई ने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर भाई ने क्या किया, मिस्टर भाई ने सर डिडंट फाइल अ केस, डिड नॉट फाइल अ केस। अब मेरे को बताओ सर, क्या ये एक्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ऊपर में क्या है सर, पॉजिटिव मतलब क्या सर, टू डू समथिंग, पॉजिटिव मतलब नहीं है इसमें, इसने क्या कहा है सर, टू डू समथिंग, ध्यान रखो हमारा पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या कर रहे हैं सर, टू डू समथिंग। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या बोल रहे हैं कि आप अपने लैम्बोर्गिनी नहीं बेचो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या है, टू डू समथिंग। सर नीचे वाले एग्जांपल में क्या है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रोक रहा है कोर्ट में केस फाइल करने से, रोक रहा है, रोक रहा है, ध्यान देना सर क्या कर रहा है, रोक रहा है सर, रोक रहा है को मैं इंग्लिश में नॉट टू डू समथिंग लिख सकता हूं क्या, नॉट टू डू समथिंग, देखो मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ना समझ आए, कोई टेंशन मत लेना क्योंकि अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, तो आप एकदम बिंदास चिल होके पढ़ो, जितना चिल होके ना उतना समझ आएगा सर, नॉट टू डू समथिंग, समझ आएगा। तो मतलब सर एक चीज हमें समझ आ गई, एक चीज हमें समझ आ गई सर, ऑफर या तो कुछ करने के लिए हो सकता है, कुछ करने के लिए बोलने के लिए हो सकता है, या तो कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है, ये चीज समझ आ गई सर। ऊपर हमने देखा ऑफर पॉजिटिव है, यहाँ पे सर लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से तो आपको केस फाइल करना था, लॉ क्या बोलता है, जैसे ही आपने पैसा नहीं दिया केस फाइल करो, लॉ के हिसाब से तो आपको केस फाइल करना था, लेकिन आपने क्या किया सर, जो लॉ बोल रहा है, सर जो लॉ बोल रहा है वो करने से आप रोक रहे हैं, वो करने से आप रोक रहे हैं, मतलब सर ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफर सर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, हाँ सर होता है, तो इसलिए ये भी ऑफर के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। मान लो, और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ सर, आपके घर पे चोरी हो गई, आपके घर पे चोरी हो गई, एग्जांपल है ठीक है, दिल पे मत लेना सर, आपके घर पे चोरी हो गई ठीक है, 1 लाख रुपया चोर लेके भाग गया, अब चोर को आपने पकड़ लिया, चोर को आपने पकड़ लिया, अब अगर आप घर पे बता दे, पापा मम्मी को बता दे, तो 1 लाख रुपए में से आपको तो कुछ नहीं मिलता, बस शाबाशी मिलती है, अच्छा किया हमारा बेटा तो बहुत समझदार है, ये है वो है, हमारी बेटी बहुत समझदार है, और कुछ मिलता क्या, हाथ में तो ठेला ही आता, तो आपने क्या किया, चोर के साथ सौदा कर लिया। आपको क्या करना चाहिए था, मम्मी पापा को बताना चाहिए था, कोर्ट में जाके केस फाइल करना चाहिए था, आपने चोर को क्या कहा, 50-50 कर ले क्या, 50,000 तेरा 50,000 मेरा, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं देते मेरे को, 50,000 अभी तो मौज करूंगा मैं। तो आपने क्या किया सर, केस फाइल करने से रोका, केस फाइल अपने आप को केस फाइल करने से रोका, समझ आएगा, मतलब आपने नहीं किया, थोड़ा एग्जांपल के लिए हो गया, चोर ने आपको बोला, चोर ने आपको बोला कि एक काम कर, तू मेरे लिए केस फाइल मत कर, तेरे को ऐसे तेरे मम्मी पापा कुछ नहीं देते, मैं तेरे को 50% दूंगा, 50,000 रुपया दूंगा। वो धमाल वाला एग्जाम्पल याद है ना, वो बच्चे को वो ऐसे गाड़ी पे रखता है, बोलता है कि
देख मेरे को 10 करोड़ मिलेंगे, उसमें से 1 करोड़ मैं तेरे को दूंगा। वो रोने लगा यार, फिर उसका 2 करोड़, फिर रोने लगता है। फिर उसको बोलते कितने रुपए चाहिए तेरे को, तो वो बोलता है पूरे 10 करोड़। समझ आया कि नहीं? वही वाला एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, चोर ने क्या किया, आपको रोका केस फाइल करने से, तो ये क्या ऐसा नेगेटिव है? समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया। तो अपने को ये दो एग्जाम्पल समझ आया क्या? एकदम समझ आया। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा अभी, बस 1 मिनट और लूंगा मैं, दो दो 3 मिनट और लूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे मतलब कल बढ़ेंगे। लॉ की क्लास यार बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें समझाने में बहुत टाइम लगता है। अपन देखेंगे, कुछ टाइम चेंज करेंगे। अब आते हैं ऑफर का डेफिनेशन, आज कल ही पढ़ेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखो, ठीक है? आज कौन सी क्लास है, अकाउंट है क्या, इकोनॉमिक्स है? अकाउंट है, ओके अकाउंट है। 5 मिनट, 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा फिर। सर ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था सेक्शन मैं आपको रटाऊंगा। मेरे को बताओ अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले क्या आता है सर? अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले ए आता है। क्या आता है सर? ए आता है, ए। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है सर? ऑफर आता है। सबसे पहले क्या आता है? ऑफर आता है। तो मजे वाली बात देखो सर, सेक्शन 2A में डिफाइंड है सर, सेक्शन 2A में डिफाइंड है सर ऑफर का डेफिनेशन। सर सबसे पहले क्या आता है? ऑफर आता है। तो सेक्शन 2A में डिफाइंड है ऑफर का डेफिनेशन। सर ऑफर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो सर, ध्यान से सुनो। आज पूरा डेफिनेशन याद करके जाएंगे, 2 मिनट लगेगा सर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। सिग्निफाइज मतलब क्या सर? बता रहा है, जता रहा है, जो भी, ठीक है। When one person signifies to another his willingness, sir, willingness, sir, इच्छा बता रहा है अपनी इच्छा। मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, ये क्या इच्छा बता रहा है अपनी। सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, अरे अरे ये क्या आ गया सर? टू डू हमने अभी पढ़ा ना सर, टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर एब्सटेन मतलब क्या सर? रोकना, रोकना। अभी हमने देखा ना सर, सर ऑफर में क्या बोल रहा है, कुछ करने के लिए टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर कुछ करने के लिए या फिर कुछ करने से रोकने के लिए, एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू। सर इंटेंशन क्या है सर? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट, एसेंट मतलब क्या सर? हामी, हामी, सामने वाले की मंजूरी सर, मंजूरी। आप मान लो अपने अपनी क्रश को प्रपोज करने जाते हो, अपने क्रश को प्रपोज, मैं ये सब बातें करूंगा, प्लीज कोई बड़े मत हो जाना, सब बच्चे ही रहना, ठीक है? ये अपन मजाक के लिए कर रहे हैं। अपने क्रश को प्रपोज, मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े हो, अपने क्रश को प्रपोज करने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि ये हाँ कर देना, कैसे भी करके हाँ कर दे। तो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के नहा धो के जाते हो, 1-2 महीने बाद नहाते हो, फिर लॉकडाउन में तो कोई नहीं नहाता, तो 1-2 महीने बाद नहाते हो, तो बस ये हाँ कर दे यार, बस दिमाग में क्या रहता है, बस ये हाँ कर दे। तो मतलब क्या है सर? विद द व्यू टू ऑप्टेनिंग द एसेंट, ऑप्टेनिंग द एसेंट, ऑप्टेनिंग मतलब हाँ लेना, हाँ लेना, ठीक है? मतलब आप जिसको ऑफर कर रहे हो तो हमेशा ऑफर करते समय यही तो दिमाग में रहता है कि सामने वाला हाँ कर दे, तो वही चीज लिखी हुई है। विद द व्यू टू ऑप्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, दैट अदर मतलब दूसरा पर्सन जिसको आप ऑफर कर रहे हो, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस का मतलब क्या सर? ये बोल रहा है जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूँ या फिर जो काम मैं करने से रोक रहा हूँ उसके लिए यह हामी भर दे। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। समझ आया गया? अब देखो एक्शन के साथ करना है, एक्शन के साथ करो सर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक्शन एक्शन सबको, मेरे को दिख रहा है तुम लोग नहीं कर रहे यार। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, समथिंग एनीथिंग और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। ये चीज आपको नाम की तरह याद होनी चाहिए। आज कम से कम भी 10 बार आपको घर जाके ये डेफिनेशन रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, क्योंकि जहां भी जो भी क्वेश्चन आएगा ऑफर के ऊपर आपको पहले इसका डेफिनेशन लिखना ही लिखना है। कैसे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं वो बताऊंगा आपको।
तो ऑफर का डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलेंगे, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2A में डिफाइंड है। सर क्या बोलता है सर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और ऑफर। जब एक पर्सन, जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जताता है कुछ करने या फिर कुछ नहीं करने के लिए इस उद्देश्य के साथ कि वो हाँ बोल दे, टू सच एक्ट और एब्सेंस, वो क्या करते हैं सर, एक ऑफर या फिर प्रपोजल करते हैं। समझ आया क्या? आपका समझ आया सर, ऑफर का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा। सर एक दो लाइन और पढ़ा देता हूँ, एक लाइन खाली और पढ़ा सर, ब्रेकिंग द डेफिनेशन, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो आदमी प्रपोजल दे रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, प्रोमिसर बोलते हैं या ऑफरर बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, जिसको ऑफर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर। सिंपल, क्लियर है, एकदम क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज हमने बेसिक पढ़ा आज, लेकिन हमने अपनी नींव डाल दी है। कल देखना कल क्या पेज से पढ़ेंगे और मजा भी आएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगी। आज मैं आपका ज्यादा टाइम ही लेता हूँ, लॉ का हम क्लास टाइमिंग चेंज करेंगे, मुझे 1.5 घंटे तो चाहिए मिनिमम, बहुत कम हो जाता है टाइम। चलो कोई नहीं, आप सबको समझ आया जितना भी मैंने आपको आज समझाया? ये लिखना है तो एक बार लिख लो, लिखना है क्या ये? और प्लीज घर पे ऑफर का डेफिनेशन पढ़ के आएंगे सबके, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज, और लेकिन वो पीडीएफ आप किसी से किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे प्लीज। थैंक यू। अगर जिसको भी लिखना है एक बार लिख लो, मैं आपको इसलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बस, ये आपके बुक में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिख लो, जो जो आपके बुक में है उसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ ये लिख लो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई करके, या फिर चलो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसका प्रिंटआउट शेयर कर दूंगा, आप तब लिख लेना ठीक है। चलो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आप लोग को मैं अभी भेज दूंगा, थोड़ी देर में भेज दूंगा, ये प्रिंटआउट निकाल के भेज दूंगा ये दोनों एग्जाम्पल के, तो आप तब उससे लिख लेना डायरेक्ट। चलो थैंक यू सॉरी थोड़ा लेट हो गया, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, क्लास कर लेना फिर उसके बाद। थैंक यू, बाय बाय।